हमारे भारत देश को धार्मिक देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ आपको हर कदम पर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से सबसे पवित्र मंदिर माँ वैष्णो देवी का मंदिर माना जाता है। माँ वैष्णो देवी पहाड़ों की वादियों पर बसी हैं। उनके कई चमत्कारी रहस्यों ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। हर साल ठंड की ठिठुरन में भी भक्त माँ वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन भक्त माँ के दर्शन किए बगैर नहीं आते। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्तों का हर्षोल्लास देखने वाला होता है और यहाँ माँ वैष्णो की गुफा से जुड़े कई हैरान कर देने वाले चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। लेकिन माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है, इस मंदिर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की कहानी। दोस्तों, भारतीय राज्य जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू तीन मूर्तियां विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। मान्यता है कि माता की ये पिंडियां साधारण नहीं है, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। ये आदिशक्ति के तीन रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त दिल से इन तीन पिंडियों के दर्शन करता है, उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वो स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और वहां हनुमान जी ने पहरा दिया। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है, वो आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। वो ये स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। इसके बाद माँ ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखें और देवी की रक्षा करें। आज्ञानुसार 9 माह तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन जब वे निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। ये सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आज स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद पवित्र गुफा में एक चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा में केवल एक बार ही कोई जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है, वो पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है।
दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वे घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में से कन्या वेश में माँ वैष्णवी थी, किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान था। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। कन्याएं तो चली गईं, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, आप अपने और आसपास के गांव वाले लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुन श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है, लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर पर एकत्रित हुए। अब सभी आ तो गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ नहीं था। तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। कुछ दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वो माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वो गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। तब से लेकर आज भी इसी रास्ते से गुजर कर माँ के भक्त उनके दर्शन को जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 करोड़ देवता हमेशा लगे रहते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और माँ वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।